मॉर्निंग बच्चों, आप पूर्णांकों के बारे में सीखेंगे आज। आप गणित में बहुत कुछ सीख चुके हैं और मेरे साथ गणित का पूरा मजा लेके गणित पढ़ रहे हैं। गतिविधियों के माध्यम से आपको शंकु, बेलन, पिरामिड ये सब मैं बता चुका हूँ। हम आपकी गणित की पुस्तक में से कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए, कौन कहाँ, शून्य के बाईं ओर 8 कदम, आपने प्लस या माइनस का चिन्ह लगाना है, बीच में शून्य है। संख्या रेखा होती है हमारी, एक रेखा होती है, इसके ऊपर हम संख्याओं को दिख सकते हैं, इसका नाम है संख्या रेखा। इस रेखा पर हम संख्याओं को दर्श सकते हैं, यहाँ पर बीच में इधर 1, 2, 3, 4, 5 बराबर दूरी पर होते हैं, ये 6, 7 इस तरह से। इधर क्या होते हैं, -1, -2, -3, -4, -5। इधर होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होते हैं बच्चों, इधर ऋणात्मक पूर्णांक, और उसकी दूसरी तरफ इधर धनात्मक पूर्णांक, और ये बीच में 0 पूर्णांक है हमारी। चलो आप दिखाओ, शून्य के बाईं ओर 8 कदम। अब दाईं और बाईं, देखो ये आपका दाहिना हाथ है, जब हम लिखते हैं दाईं ओर तो इधर आएगा, बाईं ओर इधर आएगा। शून्य के बाईं ओर 8 कदम, तो कैसे लगाएंगे, बाईं ओर 8 कदम, 1, 2, 3, 4, 5 8 भी पहुंचेगा ना, तो शून्य के बाईं ओर 8 कदम। क्या दिखाएंगे इसको, चिन्ह लगाएंगे माइनस का 8, क्योंकि इधर आएगा ना, ये शून्य के दाईं ओर 7 कदम, दाईं ओर जाएगा तो इधर जाएगा, दाईं ओर 7 कदम, तो इसको जमा 7 दिखाएंगे, या हम 7 लिख देंगे। जमा 7 और 7 में कोई अंतर नहीं है, आपने समझ लेना है, ये धनात्मक पूर्णांक है, इसके आगे चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। जो ऋणात्मक संख्याएं हैं उनके आगे चिन्ह लगाने की जरूरत है, क्योंकि वो ऋण देने हैं ना। जब भी आपके पास आएंगे, पहले आप ऋण उतारेंगे, फिर आपके पास कुछ पैसे बचेंगे। शून्य के दाईं ओर 8 कदम, दाईं ओर तो इधर आएगा, राइट साइड, दाया होता राइट, तो क्या लिखेंगे उसको, प्लस 11। शून्य के बाईं ओर 6 कदम, बाईं ओर, बाईं ओर माइनस का 6 आपका आएगा। इस प्रकार से आप ये सवाल कर सकते हैं संख्या रेखा वाला। और सवाल देखते हैं इसमें, एक दो आते हैं इसमें, परवर्ती और पूर्ववर्ती, परवर्ती और पूर्ववर्ती। परवर्ती होता है सक्सेसर, यानी कि बाद का, बाद की संख्या, और पूर्ववर्ती, पूर्व मैंने पहले का, परिडिसेसर, परि क्या होता है ये, परिडिसेसर यानी कि पहले की संख्या। तो यहां पर दो चीजें आ गई आपकी, एक पूर्ववर्ती और एक परवर्ती, समझ लेना आपने, तालिका में देखते हैं। अब आपने पूर्ववर्ती संख्या लिखनी है, 10, 8, 5, 3 और 0 पूर्ववर्ती, यानी कि पहले की संख्या। 10 से पहले कौन सी आती है, देखो आगे चलेंगे इसको, 8, 9, 10 10 से एक पहले कौन सी आएगी, ये 9 आएगी ना, तो 10 का पूर्ववर्ती 9, 8 का पूर्ववर्ती ये 7, 5 का पूर्ववर्ती ये 4, 3 का पूर्ववर्ती ये 2, और 0 का पूर्ववर्ती, 0 यहाँ है ना, ये 0 का पूर्ववर्ती 1, ये देखो इसको -1 लिखेंगे, यानी कि हमारा -1 0 से छोटा होता है। ये आपने ध्यान से समझना है कि जो हमारे ये ऋणात्मक पूर्णांक है, जैसे जैसे हम संख्या रेखा इधर आते रहेंगे, ये छोटे होते रहेंगे। अब बताओ, -5 और 2 कौन बड़ा, कौन बड़ा है, बताओ, सोचो जरा, 2 बड़ा है कि -5। -5 का मतलब है कि 5 रुपये हमने देने हैं किसी के, और ये 2 रुपये हमारे पास हैं, तो कौन बड़ा है। जब उसके पास, दोनों के पास हम 7 रुपये देंगे, तो ये पहले 5 देगा, तो इसके पास 2 बचेंगे और इसके पास 9 हो जाएंगे, तो कौन बड़ा था बताओ, तो ये हमारा ये बड़ा था, क्योंकि ये तो देना है पहले ही। तो ये जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो हमेशा छोटी होती है, और जैसे जैसे हम आगे की तरफ चलते हैं संख्याएं छोटी होती है। 0 इससे छोटा 1 माइनस का, इससे छोटा -2, इससे छोटा -3, इससे छोटा -4, ये -100 और -1,
कौन छोटा है बताओ, ये क्लियर, ये छोटा है, माइनस एक तो बड़ा है, यानी कि एक तो 1 रुपया देना, 100 रुपये देने, तो किसको ज्यादा देने, ज्यादा देने इसको, है ना, तो ये छोटा है, ये समझ में आई बात। जैसे कूल में गहराई में गई, देखो ध्यान से देखना, ये तो एक माइनस का एक, ये माइनस का 100, तो कौन कौन बड़ा है, देखो ध्यान से देखो, ये तो बहुत कम हो गया ना, ये तो बहुत कम हो गया ना, ये ज्यादा गहराई होगी, ठीक है ना, तो कम गहराई ज्यादा गहराई, यानी कि एक से कम बड़ी है, माइनस एक हमारा बड़ा है, 100 तो अधिक गहरा चला गया ना, 100 तो और भी छोटा 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 नंबर है, कम नंबर है माइनस 100 हमारा, जबकि माइनस एक हमारा बड़ा होता है। चलिए और उदाहरण से समझते हैं इसको, किसी बात को आगे चलते हैं हम, पूर्ववर्ती समझ में आ गया होगा। अब इसमें लाभ हानि से करते हैं हम, लाभ और हानि, जैसे 150 रुपये लाभ या 50 रुपये हानि, इसको गणित की भाषा में लिखो, गणित की भाषा, आप सभी जानते हैं गणित की एक अपनी भाषा है, गणित की चिन्हों की भाषा है, इसको लिखते हैं, चलो ये लाभ है ना, तो ये 150 रुपये लाभ आ गया, और ये हानि है, इसके आगे हम हानि का चिन्ह लगा देंगे, -50 रुपये। इस प्रकार से हम हानि वाले जो देने हैं उसको हम माइनस का चिन्ह लगा के डिनोट करेंगे। उचित चिन्ह लगाइए, समुद्र तल से 100 मीटर नीचे, नीचे की तरफ आ गया तो -100 आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस ऊपर तापमान, तापमान ऊपर है ना, तो ये 25 डिग्री सेल्सियस सीधा ये ऊपर है ना, तो और 0 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान, तो ये माइनस का 15 डिग्री सेल्सियस आएगा। यहाँ पर बर्फ जाती है, ठंड हो जाती है, यहाँ पर गर्मी होती है, ये तो आप सभी जानते हैं, जब तापमान 40 होता है तो और गर्मी होती है, जैसे ही तापमान कम आता है तो ठंड होती रहती है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है, यानी कि ठंड पड़ जाती है, और जब 0 से नीचे और माइनस हो जाते हैं तो और ठंड और ठंड और ठंड, तो ये ठंड गर्म उल्टे चीजें हैं दोनों। अब पूर्णांक में हम देखते हैं, पूर्णांक में इनको हम तीन चीजें आती हैं, एक तो प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 आगे अनंत तक है, उसके बाद जब हमें जरूरत पड़ी तो इनमें 0 और मिला दी हमने, तो इनका नाम रख दिया हमने पूर्ण संख्या, पूर्ण होगी ना, अभी पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। लेकिन अभी भी काम नहीं चला हमारा, पांचवी क्लास तक तो आप इनसे काम चला लेते थे, लेकिन जब हमें 4 में से 5 घटाने की जरूरत पड़ी तो इनसे हमारा काम नहीं चला, एक नई संख्या आई हमारे पास -1, 4 में से 5 रुपए का पेन खरीदना है तो -1 रुपए बच गए हमारे पास, तो एक नई नंबर आ गया हमारे पास जिनको हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक में क्या आ गए, यानी कि इंटीजर, जिसमें माइनस के आगे सारे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 आगे अनंत तक जाते हैं, इनको हम नेगेटिव और इनको 0 इसको पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक हमारे, ये हमारे धनात्मक पूर्णांक और ये 0 पूर्णांक। चलिए अब आगे हम पूर्णांकों को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। अब यहाँ पर -3 कहाँ आएगा, -3 ये रहा -3, गुणा ऐसे लगा देना आपने, उसके बाद है हमारा 7 कहाँ है बच्चों, 7 ये वाला लेना है या वो, ये तो घटा ऋणात्मक पूर्णांक है ना, 7 तो हमारा ये रहा, इसको ऐसे आप 7 पे निशान लगा दें, एरो लगा सकते हैं आप। -8 कहाँ है, -8 इससे आगे आएगा ना, यहाँ आएगा -8, तो ये -8, इनके बीच में दूरी बराबर होती है, और ये हमारे पूर्णांक क्रमबद्ध होते हैं, क्या होते हैं पूर्णांक क्रमबद्ध, लगातार चलते रहते हैं पूर्णांक। इनमें पूर्णांकों में अब हम देखते हैं कौन सा बड़ा है हमारा, कौन सा छोटा है, ठीक है ना, 0 और -1 बताओ कौन सा बड़ा है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये तो ऋणात्मक है, ये तो देने हैं हमने, तो जो देने हैं वो बड़ा है, या जिसके पास कुछ भी नहीं है शून्य है वो बड़ा है। जैसे एक वस्तु थी, एक ही चली गई तो क्या बस शून्य बच गया ना, परंतु इसने तो अभी भी एक देना है, जब इसके पास अगली बार 5 रुपये आएंगे तो पहले ये एक देगा तो
तो हमारा एक ही छोटा है, जीरो बड़ी है। जब इधर से इधर आते हैं ना तो इधर वाली संख्याएं बड़ी होती हैं, इधर छोटी होती रहती है, ये आपने समझ लेना है। माइनस पचास और माइनस सत्तर, बताओ क्या बड़ा क्या छोटा, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। ये 70 रुपये देने, ये 50 रुपये देने, तो कौन से ज़्यादा देने हैं? 70 ज़्यादा देने हैं ना वैसे तो, लेकिन बड़ा कौन सा हुआ? जिसको कम देने हैं वो आदमी बड़ा हुआ ना। किसको कम देने हैं? इसके तो 50 ही देने हैं केवल, तो ये एक हमारा बड़ा है। इसी बात को अपने ध्यान से समझना है, जिस व्यक्ति को कम राशि देनी है वो बड़ा है। इसको 50 देने हैं, यानी कि इसको कम देने हैं, इसको ज़्यादा देने हैं, तो ये हमारा ज़्यादा देने वाला तो छोटा होता है आदमी, जो कम देने वो बड़ा है, और जिसको बिल्कुल भी नहीं देने वो उनसे बड़ा जाए। ये जीरो और ये घटा का 100, कौन सा बड़ा है बताओ? जीरो बड़ी है, क्योंकि इसको कुछ भी नहीं देना, इसको 100 देने हैं। और देखो 50 माइनस 50 क्या दोनों बराबर है? कई बच्चे बराबर कर देंगे, बराबर है जीरो, बराबर कैसे है भाई बताओ कैसे बराबर है? ये तो 50 देने थे और इसके पास एक 50 का नोट है, तो बराबर कैसे हुई? देने वाला हमारे छोटा होता है ना, तो ये रकम छोटी है क्योंकि नहीं देने, ये बड़ी है 50। ये समझ लिया अपने बात ध्यान से? तो आपने अपनी बुक में से प्रयास कीजिए, ये बारे में बताए हैं। अच्छा, इसमें कुछ बातें हैं जो समझ लिया आपने। जीरो हमेशा पूर्णांकों के बीच में आता है, इधर धनात्मक पूर्णांक इधर ऋणात्मक पूर्णांक। शून्य प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा है, शून्य इन सब में छोटा है। और आगे सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है ये तो हमें पता ही नहीं, सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है ये भी पता नहीं, सबसे बड़ा कौन सा है ये भी पता नहीं। अनंत होते हैं, पता नहीं कहाँ तक जाएंगे नंबर, गिनते जाओ लिखते जाओ, गिनते जाओ लिखते जाओ, इनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। और ये शून्य क्या है? ये ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, ये जीरो पूर्णांक है। इसको ना तो ऋणात्मक मानते ना धनात्मक मानते, जो इससे बड़े वाले हैं वो पॉजिटिव धनात्मक और जो इससे इधर वाले ऋणात्मक, परंतु जीरो दोनों में से किसी में शामिल नहीं कर सकते। इसी प्रकार से आपने गणित की पुस्तक में से अपना काम करना है और प्रश्नावली 6.1 आपने पूरी कर लेनी है। धन्यवाद।